जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर्स रिपीट हो जाते हैं तो वो नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, जिसकी मदद से आप आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकते हो, और यही नहीं आप अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, आपकी लाइफ में केवल चार तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो है आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और जब ये प्रॉब्लम्स आती है तब आप भागते हो ज्योतिष के पास, बाबा के पास, फकीर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास। दोस्तों, कैसा होगा यदि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ पाओ, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ यूनिक वर्कशॉप ऑन न्यूमरोलॉजी एंड रुद्राक्ष। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे किस तरह आप अपना खुद का न्यूमरोस्कोप बना सकते हो, किस तरह आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर सकते हो, और अपने लाइफ में आप किस तरह पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप को मधुर बना सकते हो और करियर में अव्वल आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वर्कशॉप केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप उनकी भी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। और इस वर्कशॉप के बदौलत आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो जुड़िए मेरे साथ इस वर्कशॉप में 14, 15, 16 जून होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद। यही नहीं दोस्तों, फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन में से किन्हीं 3 मेंबर्स को मैं फ्री कंसल्टेशन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपको एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़िए मेरे साथ इस यूनिक न्यूमरो रुद्राक्ष वर्कशॉप में होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद 14, 15, 16 जून, और चार्ज लीजिए अपनी लाइफ का, कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का अपने खुद के हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पब्लिक डिमांड वाला टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि रिपीटेटिव नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर आप वीडियो बनाइए। तो ये सर, मैं हाजिर हूँ आपके सामने रिपीटेटिव नंबर्स को लेकर, कि जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर्स रिपीट हो जाते हैं तो वो नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक नंबर का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है, हर एक नंबर का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, और जब वो नंबर रिपीट होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उतना ही चेंज होता है, बढ़ता है, क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर एक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नंबर एक यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा। नंबर एक आपको क्या देता है? नंबर एक डिनोट्स कम्युनिकेशन। जी हाँ, नंबर एक कम्युनिकेशन का नंबर है, और यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर एक मौजूद है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपका कंडक्टर हो, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी नंबर एक आ रहा हो, उसको आपको देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके बर्थ चार्ट में एक नंबर कितनी बार आ रहा है, राइट? अब नंबर एक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ 11 मार्च 2021, तो इस डेट में एक नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है, राइट? 11 दो बार एक आ गया, और 2021 में वापस एक बार आ गया, तो 3 बार एक आ रहा है, ठीक है? अभी यदि मैं इसका ड्राइवर कंडक्टर भी निकालूँ, 11 मार्च 2021, 1 + 1 = 2 + 3 = 5, राइट? और 5 = 10, अगेन टोटल करता हूँ तो भी एक आया। सो 3 बार पहले ऑलरेडी एक आ चुका है, और कंडक्टर के द्वारा भी एक और बार एक आया, तो यहाँ पे जो है एक नंबर आया 4 बार। सो दोस्तों, आपको इस तरह आपके बर्थ चार्ट में देखना है कि एक नंबर कितनी बार आ रहा है। यदि एक नंबर एक बार आ रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया, एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, और सूर्य डिनोट करता है कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन में अच्छे रहोगे, यदि एक बार आ रहा है तो आप कम्युनिकेशन में अच्छे रहोगे, पर अच्छे रहोगे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, राइट? सो एक नंबर एक ही बार आ रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, पर आप एक्सप्रेशन में कहीं पे पीछे रह जाते हो, अपने आप को अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते हो। यदि एक नंबर दो बार आ रहा है तो आप कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आप कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एकदम बैलेंस होगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम परफेक्टली रख पाओगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाओगे, और आपका जो मत है वो आप सामने वाले के मन में उतार पाओगे, और उससे आपकी बात मनवा भी पाओगे,
तो ये बेनिफिट है नंबर एक दो बार होने के। यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर एक तीन बार है, सो अब हमने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, अभी समझो तीन बार है, तो क्या होगा? यदि एक नंबर तीन बार है तो आपको क्या देखना है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हो, कभी कभी आप शांत रहते हो। कब आप शांत रहते हो? जब आप नए लोगों से मिलते हो, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, तो आप जल्दी से खुल के बात नहीं करोगे, आप जल्दी से ओपन अप नहीं होगे। पर उसी इंसान से कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद या चार पांच बार मिलने के बाद यदि आप कंफर्टेबल हो जाओ, एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओगे, तब आप चटर पटर आप चैटर बॉक्स बन जाओगे, आप नॉन स्टॉप बड़बड़ करते रहोगे उस इंसान के सामने, चाहे रेलेवेंट चाहे इरेलेवेंट, बट आप कंफर्ट देखते हो। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर आप नॉन स्टॉप बात करने लगोगे उस इंसान के सामने। पर यदि आप किसी नए इंसान के सामने जा रहे हो तो आप थोड़े रिजर्व रहोगे, आप जल्दी से ओपन अप नहीं होगे। ये यदि आपके बर्थ चार्ट में एक नंबर तीन बार आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिया था 11 मार्च 2021, इस एग्जाम्पल में एक नंबर आ रहा है चार बार। तो यस, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये इंसान की ज़बान पे ब्रेक नहीं होगा, ये इंसान की ज़बान में हड्डी नहीं होगी, और ये बोलने पे इनके कम्युनिकेशन की वजह से बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, राइट? ये कभी कभी इतना बोल देंगे या टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना बोल देंगे, ये लोग कभी कभी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। इसलिए यदि आपके बर्थ चार्ट में एक नंबर चार बार है तो आपको ध्यान रखना है कि आप नपा तोला बात कीजिए, आप ज़्यादा बात मत कीजिए, आप सोच समझ कर बात कीजिए, ना कि बात करने के बाद सोचिए कि ये मैंने क्या कह दिया, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यदि आपके बर्थ चार्ट में एक नंबर चार बार आ रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पांच बार भी आता हो, चार से ज़्यादा बहुत रेयर केसेस में, बट आ भी सकता है। यदि पांच बार आ रहा है उस केस में भी कंट्रोवर्सी के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन पे आपको कंट्रोल करना है, आपको लोगों से ठीक तरह से बात करनी है, अच्छी तरह से बात करनी है, अपना ईगो बीच में नहीं लाना है। आप बात कीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, अदब से बात कीजिए, चाहे वो इंसान कद में आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे कद में छोटा हो, चाहे आपका सीनियर हो, आपका जूनियर हो, आपको जो है कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ताकि आपका झगड़ा ना हो। सो दोस्तों, ये हमने देखा नंबर एक मल्टीपल टाइम्स आने से क्या होता है। सो यदि आपका नंबर एक एक बार आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप में कम्युनिकेशन के गुण है, आपको उसको शार्पन करना है, आपको उसको बेटर करना है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, ताकि आप लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। यदि आपके पास एक नंबर दो बार है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, एक बैलेंस कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका, आप उसको एज आपका USP यूज़ कीजिए। आप मीडिया फील्ड में जा सकते हो, आप किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड में जा सकते हो, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। यदि तीन बार है तो आप टाइम लेते हो लोगों के सामने एडजस्ट होने को, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको तीन चार पाँच यदि तीन से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपको अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, उसको शार्पन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है इन योर कम्युनिकेशन, सो दैट यू एंश्योर कि आपका जो कम्युनिकेशन है उससे आप किसी को हर्ट ना करो। आप या तो ज़्यादा मत बोलो या कम मत बोल दो, आप एक बैलेंस अप्रोच रखिए, चाहे ऊपर वाला हो नीचे वाला हो, कम्युनिकेशन जो है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस, राइट? आपके पास कितना भी नॉलेज हो, यदि आप वो नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो उस नॉलेज का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, उस नॉलेज का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो यदि आपको लाइफ में ग्रो करना है तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, राइट? तो इसीलिए चार बार एक, पांच बार एक, इवन तीन बार एक, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो, ट्रांसपेरेंट हो, आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, जिसकी मदद से आप आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकते हो, और यही नहीं, आप अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी बात नंबर एक रिपीटेड बार आपके बर्थ चार्ट में आने से। आप किस तरह कैलकुलेट करोगे रिपीटेशंस? आपके फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ में आपको देखना है कितनी बार आ रहा है, और दूसरी बार आपको आपका ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर भी चेक करना है। मैंने आपको पहले से ही सिखाया हुआ है बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं,
ड्राइवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी को लेकर आपको आपका बर्थ चार्ट बनाना है और बर्थ चार्ट में देखना है कि एक नंबर कितनी बार आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका बर्थ चार्ट में एक नंबर कितनी बार आ रहा है और जो मैंने बताया आपको क्या वो आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हो, क्या आप उससे कोरिलेट कर पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम इस रिपीटेटिव नंबर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर दो के बारे में ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससेटिस्फेक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जहाँ पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं सी योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।